मायावती के भाई आनंद कुमार के खातों की ईडी ने की जांच। दिल्ली की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आनंद कुमार के खाते में नोटबंदी के बाद जमा हुए 1,43,00,000 रुपए। बेनामी संपत्ति के घेरे में मायावती के भाई आनंद कुमार। बैंक खाते में जमा 1,43,00,000 रुपए में नगद जमा हुए थे 18,98,000 रुपए। वित्त निदेशालय को जांच में बीएसपी के खाते का भी पता चला। खाते में नोट बैन के बाद जमा कराए गए 102 करोड़ रुपए। जनवरी 2016 से नवंबर 2016 तक बीएसपी के खाते में 33 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि बाकी रकम जमा हुई दिसंबर में। इनकम टैक्स करेगा जांच। मायावती के भाई के साथ कुछ रियल एस्टेट कंपनियों को भी आयकर विभाग का नोटिस। नोट बैन के बाद अवैध ढंग से पैसों के लेन देन का आरोप। इनकम टैक्स ने यूपी में बीएसपी सरकार के दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में तैनात अफसरों की बैंक डिटेल भी मांगी। कई कंस्ट्रक्शन कंपनी भी जांच के रडार। बेनामी संपत्ति को लेकर जी मीडिया की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 2.5 लाख ऐसे घर हैं जो बनाए गए हैं लेकिन अभी तक उसमें कोई रहता नहीं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को दिल्ली एनसीआर के इन घरों में बेनामी प्रॉपर्टी के होने का अंदेशा। इन्वेस्टमेंट के इरादे से खरीदे गए हैं ज्यादातर घर। नोटबंदी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की सरकार की कांग्रेस की मुहिम को झटका। बैठक आज लेकिन सीपीएम का आने से इनकार। कांग्रेस की बैठक में जाने पर कई पार्टियों का रुख अभी साफ नहीं। टीएमसी और जेडीयू ने अभी नहीं लिया आखिरी फैसला। कांग्रेस की बैठक में जाने पर कई पार्टियों ने जताई सहमति। आरजेडी और डीएमके के शामिल होने की खबर। 30 दिसंबर के बाद भी 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने वाले लोगों पर हो सकती है कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्र 30 दिसंबर से पहले ला सकता है अध्यादेश। 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर 50,000 या रकम के 5% तक हो सकता है जुर्माना। सूत्रों की खबर। 500 या 1,000 के 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर कार्रवाई होगी। देश की किल्लत पर सवालों के बीच पीएम मोदी आज नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। अर्थव्यवस्था के हालात का लेंगे जायजा। नोटबैन के बाद विपक्ष ने शुरू किया बेनामी संपत्ति का विरोध। एक सुर में बोले देश को डरा रही है सरकार। लालू ने कहा बेनामी संपत्ति का आना चाहिए हिसाब, लेकिन देश लूट रही है बीजेपी। लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा। नोटबैन पर राहुल गांधी ने सरकार को फिर घेरा। कहा सरकार के फैसले से गरीब परेशान। देश का 94% काला धन विदेश और रियल एस्टेट में। वेंकैया नायडू ने कांग्रेस को बताया करप्शन का प्रतीक। पूछा 1988 में बेनामी संपत्ति योजना क्यों नहीं लाए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा समाज बनाने के लिए करते हैं राजनीति, सत्ता पाने के लिए नहीं। पीएम मोदी आज एक दिन के उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। देहरादून में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना का करेंगे शुभारंभ। सड़क परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में परिवर्तन महारैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक चुनावी तैयारी आखिरी चरण में। 5 राज्यों में चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बताई 1,000 पैरामिलिट्री कंपनी की जरूरत। मांगे 1,00,000 पैरामिलिट्री जवान। शीला ने खारिज की यूपी में कांग्रेस के सीएम की उम्मीदवारी छोड़ने की खबर। बताया बेबुनियाद। राहुल गांधी की बहराइच और जौनपुर की रैली में नहीं हुई थी शामिल। गोवा एयरपोर्ट पर तलहादसा। रनवे से फिसला जेट एयरलाइंस का विमान। कुछ लोगों को मामूली चोटें। जेट मैनेजमेंट ने दुख जताया। दिल्ली में कोहरे की वजह से आज भी रफ्तार पर ब्रेक। 32 ट्रेनें लेट और 2 कैंसिल। 8 इंटरनेशनल और 7 घरेलू उड़ानें भी चल रही है देरी से। पाकिस्तान के कराची में मालट जेल से रिहा होकर लौटे 220 भारतीय मछुआरे। बाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपे गए। महीनों बाद मुंबई की बायकुला जेल से बाहर आई शीना। मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी। पिता के अंतिम संस्कार के लिए सीबीआई कोर्ट ने दी है अंतरिम जमानत। हैदराबाद में नए नोटों और गोल्ड के साथ एक शख्स गिरफ्तार। 15 लाख से ज्यादा की नई करेंसी मिली जिनमें 2,000 के नोट भी हैं। गुजरात के राजकोट में 26 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए जाली नोट 2,000 और 500 के। राजकोट में 90 लाख का सोना लूटने वालों का अब तक सुराग नहीं। मुथूट फाइनेंस ने की थी बंदूक के दम पर लूट की शिकायत। नवी मुंबई में बिल्डर से 2 बदमाशों ने लूटा 55 तोला सोना और करीब 62,000 रुपए। ग्राहक बनकर दफ्तर पहुंचे और दिखाई बंदूक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस को हफ्ते में तीसरी बार लावारिस पड़े मिले नोट। इस बार 5,94,000 रुपए बरामद। गुजरात में फिर उड़ाए गए लोक संगीत कार्यक्रम में नोट। नवसारी में लोक कलाकार पर 40 लाख रुपए उड़ा दिए गए। दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर हर रोज आती है 72,000 ब्लैंक कॉल्स। दिल्ली पुलिस ने जारी किया आंकड़े। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खालिस्तान के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश। मिंटू को 3 जनवरी को किया जाएगा कोर्ट में पेश।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज सुबह 4 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.2 रिएक्टर स्केल के भूकंप की वजह से किसी नुकसान की खबर नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज, पटियाला हाउस कोर्ट ने केस से जुड़े दस्तावेज देने से किया इनकार। उत्तराखंड में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के स्टिंग मामले में सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हरीश रावत, सीएम ने खुद को बताया निर्दोष। सीबीआई ने रिश्वतखोर डिप्टी लेबर कमिश्नर को किया गिरफ्तार, 25,000 की मांगी थी रिश्वत। अगस्ता वेस्टलैंड केस में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को मिली जमानत, 2 लाख के बॉन्ड पर मिली बेल, दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया। दिल्ली के पांडव नगर में हुई कैश वैन लूट में 3 बदमाश गिरफ्तार, 19 दिसंबर को लूटे गए थे 10 लाख रुपए। दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में अमेरिकी महिला से गैंगरेप के केस में 4 गिरफ्तार आरोपियों में टूरिस्ट गाइड भी शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को मनु शर्मा की पैरोल अर्जी पर 3 दिन में फैसला करने का आदेश, मनु शर्मा ने मांगी है एलएलबी की परीक्षा के लिए इजाजत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शातिर ठग गिरफ्तार, फर्जी पुलिस वाला बनकर लेता था तलाशी और लूट को देता था अंजाम। महाराष्ट्र के सांगली में सड़क हादसे में एक शख्स और उसकी 3 साल की बेटी की मौत हो गई, बैलेंस बिगड़ने से 70 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी। झारखंड में खूंखार नक्सली नागेश्वर गंजू गिरिडीह से गिरफ्तार, जंगल में कर रहा था मीटिंग, 3 IED भी बरामद। दिल्ली सरकार की लोगों से कंबल और गद्दे दान करने की अपील, नाइट शेल्टर में रह रहे लोगों की लिए अपील की गई है, फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। एयर इंडिया का बोइंग 747 अब घरेलू उड़ान में भी होगा शामिल, मुंबई दिल्ली रूट पर 2 फ्लाइट रोज भरेंगी उड़ान, किराया भी होगा कम। पश्चिम दिल्ली में प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार, डीडीए और केंद्रीय पर्यावरण और शहरी विकास मंत्रालय से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली में 17 से 24 दिसंबर के बीच सामने आए डेंगू के 9 और चिकनगुनिया के 24 नए मामले, 24 दिसंबर तक 4,393 हुए डेंगू के मामले। मुंबई की काली पीली टैक्सियां जल्दी होंगी हाईटेक, एप बेस्ड कैब कंपनियों की तरह शुरू कर रही है ई वॉलेट सुविधा। मुंबई लोकल की सेंट्रल लाइन से 40 लाख यात्रियों को सौगात, नए साल से 38 स्थानों पर एक्सलेटर और 18 स्टेशनों पर शुरू होगी लिफ्ट की सुविधा। गुजरात के सूरत में कारोबारी महेश समाणी ने कराई 236 अनाथ बेटियों की शादी, खुद के दोनों बेटों की भी शादी इसी पंडाल में हुई। शीतलहर और कोहरे की वजह से इलाहाबाद में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, जिला प्रशासन ने दिए 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक और कल स्कूल बंद रखने के आदेश। गुरुग्राम में देश के पहले डीजी मेले के समापन पर सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे, रेसलर योगेश्वर दत्त और गायिका शिवानी कश्यप ने भी डिजिटल खरीदारी की। बिहार के कैमूर में हफ्ते के भीतर दूसरे बच्चे को अगवा कर हत्या, बरामद हुई लाश, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में एसडीओपी संतोष डेहरिया की पिटाई के मामले में 27 लोग नामजद, 3 आरोपी हिरासत में, बाकी की तलाश जारी। भोपाल के नूतन गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं के जींस पहनने पर पाबंदी, जनवरी से छात्राओं को सलवार सूट पर पहनकर आने के आदेश दिए गए। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में किसानों ने 70 ट्रैक्टर टमाटर सड़कों पर फेंक दिए, वाजिब दाम नहीं मिलने से नाराज किसान। मध्य प्रदेश के सतना में एक बैंक के निजी सुरक्षा गार्ड ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं, पुलिस कर रही है जांच। जयपुर में भ्रूण लिंग जांच मामले में महिला डॉक्टर समेत लोग गिरफ्तार, 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई डॉक्टर। राजस्थान पुलिस ने किया लोगों को ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। ऋण माफी और किसानों की निश्चित आय लागू करने की मांग को लेकर पीएमओ पहुंचे राजस्थान के 2,500 किसान, पीएमओ की तरफ से दिया गया मदद का आश्वासन। चित्तौड़गढ़ में एक मां ने 1 साल के बेटे को मरने के लिए रेल पटरी पर छोड़ा, रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने बच्चे को कल्याण समिति को पहुंचाया, मां की तलाश जारी। राजस्थान के चुरू में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप, लड़की को अगवा कर किया गया रेप, दोनों आरोपी फरार। 7 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ बाजार, निफ्टी ने तोड़ा 7900 का स्तर, सेंसेक्स 234, निफ्टी 77 अंक गिरकर बंद। नए साल पर ग्राहकों को तोहफा देने की तैयारी में बैंक, एसबीआई समेत तो दूसरे बैंक जनवरी से लेंडिंग रेट में कर सकते हैं कटौती, होम और कार लोन पर घट सकती है ईएमआई। नितिन गडकरी ने किया सागरमाला प्रोजेक्ट का उद्घाटन, अगले 3 साल में खर्च किए जाएंगे 3.5 लाख करोड़ रुपए, कारोबार के लिए देश के बंदरगाहों को मिलेगा बढ़ावा। गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन की फायरिंग रेंज के पास रॉकेट जैसी संदिग्ध चीज बरामद, जमीन में 2 फीट धसी मिली, जांच शुरू। रेलवे ने किसी भी दुर्घटना में दुगुनी मुआवजा राशि देने का ऐलान कर दिया है, मृतकों के परिवार वालों को अब 8 लाख रुपए मिलेंगे, 1 जनवरी से लागू होगा फैसला। अगले साल और 200 रेलवे स्टेशन पर होगी फ्री वाईफाई, रेल मंत्री सुरेश प्रभु का बयान, ट्रेनों में भी हो सकती है बढ़ोतरी।
गोल्फर एसएसपी चौरसिया ने लगाया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर आरोप, कहा 30 लाख देने का वादा नहीं किया पूरा। खेल मंत्री विजय गोयल ने खारिज किया गोल्फर चौरसिया का दावा, कहा किसी भी खिलाड़ी का बिल पेंडिंग नहीं। रणजी ट्रॉफी में हरियाणा को हराकर झारखंड पहली बार सेमीफाइनल में 5 विकेट से दिया मात। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के 3 दिवसीय फर्स्ट क्लास मैच में पंकज शॉ ने खेली 413 रन की पारी, 44 छक्के और 23 चौकों के साथ बनाए रिकॉर्ड। किड्स गोल्फ विश्व चैंपियन जीतने पर अर्जुन भाटी के घर जश्न, दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू डेनिश को 2 शॉट से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला पाकिस्तान को पड़ा उल्टा, पहले दिन ही 142 रनों पर गिरे 4 विकेट। साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई श्रीलंकाई टीम पहले टेस्ट में दम नहीं दिखा पाई और पहले दिन साउथ अफ्रीका को 3 विकेट झटक कर 179 रनों पर रोक दिया गया। पाकिस्तान के लाहौर में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई, 14 की हालत गंभीर है। जहरीली शराब बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की रैली आज, विपक्षी दलों के साथ महागठबंधन का कर सकते हैं ऐलान। रशियन इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्ट्री के गोताखोरों ने ढूंढे दुर्घटनाग्रस्त विमान के 2 हिस्से, 25 दिसंबर को क्रैश हुआ था विमान। अर्जेंटीना में बाढ़ की वजह से लोगों का पलायन, अब तक 600 से ज्यादा लोगों का पलायन, कई लापता भी बताए जा रहे हैं। सीरिया के लताकिया में बर्फबारी की वजह से राहत शिविरों को नुकसान, 300 टेंट बर्फ की वजह से बर्बाद हो गए हैं। चीन लाओस के बीच रेल लाइन बनाने के काम की औपचारिक शुरुआत, चीन के कुमिंग शहर से नॉर्दर्न लाओस बनेगी रेल लाइन। अमेरिका के नॉर्थ और साउथ डकोटा में भारी बर्फबारी, अधिकतर हाईवे बंद, लोगों के घरों में रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नासा के रोवर ने भेजी मंगल ग्रह पर चम्मच जैसे आकार की चीज की तस्वीर, बीते कुछ साल में दूसरी बार देखी गई चम्मच जैसी आकार की यह चीज। अलेपो के पीड़ितों के लिए बर्लिन में सैकड़ों लोगों का मार्च, बर्लिन में शुरू होकर यह मार्च चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रेलिया टर्की होते हुए सीरिया तक पहुंचेगा। सुपरस्टार सलमान खान आज 51 साल के हो गए हैं। देर रात से ही पनवेल में फार्म हाउस में सलमान खान को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शाहरुख खान को मिली डॉक्टरेट की उपाधि, हैदराबाद उर्दू यूनिवर्सिटी ने दिया है सम्मान। हैदराबाद में सम्मान मिलने पर शाहरुख ने जताई खुशी, कहा मां जिंदा होती तो बेहद खुश होती, शाहरुख की मां थी हैदराबाद की रहने वाली। यूपी हरियाणा के बाद उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आमिर की दंगल टैक्स फ्री फिल्म से कुश्ती और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दे को मिलेगा बढ़ावा। सलमान खान के जन्मदिन पर बीएमसी का तोहफा, शॉर्ट फिल्म में अब दबंग खान करेंगे खुले में शौच ना करने की अपील। सलमान खान को ताना मारना पड़ा ट्विंकल खन्ना को भारी, सलमान के फैंस ने ट्विंकल अक्षय को बनाया निशाना। आमिर खान की दंगल ने 3 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया, 42 करोड़ की कमाई के साथ अभी तक 107 करोड़ का बिजनेस। सैफ अली खान जनवरी में करेंगे फिल्म शेफ की आखिरी शूटिंग, अभी छुट्टी पर चल रहे हैं सैफ अली खान। भंसाली के साथ एक और बायोपिक में काम कर सकती हैं प्रियंका, इस हफ्ते फिल्म साइन कर सकती हैं देसी गर्ल। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के लिए ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल की स्पेशल स्क्रीनिंग, राकेश रोशन ने की है स्पेशल स्क्रीनिंग का प्लान। संगीतकार साजिद को भी पसंद आई राजनीति, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी मिली बीजेपी की सदस्यता।